स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रुपेंद्र बुलेट वर्क शॉप पे। आज हम फिर आज एक इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम बुलेट के अलॉय व्हील्स के ऊपर कि हमारे बुलेट के अलॉय व्हील्स क्यों क्रैक होते हैं, किस कारण से क्रैक होते हैं, क्या ये कमी हमारे अलॉय व्हील्स के अंदर है या फिर हमारे जो ड्राइवर भाई उनके अंदर है, या फिर ऐसी क्या चीज है जो फिटिंग के अंदर है, किस चीज की सारी मेजर कमी के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये अपनी गाड़ी है, इसके अलॉय व्हील क्रैक हो चुके हैं। कितनी गंदी तरह क्रैक हुए अलॉय व्हील, एक नहीं वो भी दोनों इकट्ठे के इकट्ठे, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए अपने दोनों अलॉय व्हील क्रैक हो चुके हैं। ये शुक्रा किसी जिस बाइक की बाइक है, ये देखिए ऐसे खतरनाक काम हुआ है। शुक्रा भाई को चोट नहीं लगी, क्योंकि जब गाड़ी बुलेट का ये तो फायदा होता है कि हैवी वेट होने के कारण जहां लगती है गाड़ी वहीं के वहीं नीचे दब जाती है। अगर स्प्लेंडर वगैरह होती तो घिसटती जाती दूर तक जाती, ये अपने स्लिप नहीं हुई बिल्कुल भी, जहां लगी वहीं के वहीं रुक जाएगी। अब बात करते हैं कि अलॉय व्हील किस तरह से टूटे हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको अलॉय व्हील तो रेकमेंड करते नहीं, कंपनी खुद भी अलॉय व्हील नहीं देती, रिम देती है उसके अंदर। रिमो का क्या फायदा होता है, जैसे जैसे कि हमारे कंपनी रिम देती है, रिम कंपनी बहुत सोच समझ के टेस्ट करके अच्छी तरह जब देती है, तो क्या होता है जब हमारी गाड़ी आगे खड्डे में किसी में लगती है, खड्डा या ब्रेकर या दीवार कुछ भी हो, पेड़ वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, जब हमारी गाड़ी आगे इस तरह से लगती है, आगे टायर तो होता है फिर आगे वाला, जो टायर लगने के बाद ये तो चीज होती है इसकी लोहे वाली, तो ये मुड़ नहीं पाती बिल्कुल भी, और जो ये ताड़ी है इसके अंदर अब्जॉर्ब सिस्टम होता है, जितना भी झटका होता है सब झेल जाती है। पर जो हमारे अलॉय व्हील होते हैं, ये अलॉय व्हील यहां से जब टक्कर लगती है इसकी तो यही के यही बैंड हो जाता है, इसके अंदर तो अब्जॉर्ब सिस्टम है, ताड़ी घूम जाती है, हल्की फर्क पड़ता है और ये लोहा होता है प्योर, इससे कुछ नहीं होता। ये अपना डेक चूर वगैरह होते हैं तो साथ ही साथ क्रैक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कहना चाहता हूँ कि आप अलॉय व्हील ना पवाए तो अच्छा है, जो हमारी रिम है वो बिल्कुल बेस्ट है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। पर फिर भी आप कहते हैं कि भाई मैं तो लुक के मार चलाता हूँ, लंबा जाना हो तो हमारे पास अपनी गाड़ी है, गाड़ी में जाते हैं हम, ऐसा कोई चक्कर नहीं। पर भाई कोई बाइक का कोई भरोसा नहीं, तो क्या पता किस टाइम कहाँ ले जानी पड़ जाए। पर अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं या लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो आपको रिम ही रेकमेंड करूंगा मैं, तो रिम ही चलाएं। अगर हाँ आप फिर भी आप अलॉय व्हील डालें तो सस्ते के चक्कर में ना पड़े कि भाई 5,000 के अलॉय व्हील मिलते हैं, 6,000 के आते हैं, 8 के आते हैं, ऐसे आते हैं, नहीं आप हमेशा अच्छी क्वालिटी के अलॉय व्हील पाएं। मैं खैर आपको कंपनी का नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो होता है, पर नई इस कंपनी का नाम बता रहा कौन सी कंपनी के अलॉय व्हील है। सबको पता है कौन सी अच्छी कंपनी होती है कौन सी अच्छी नहीं होती, बस आपको ओरिजिनल अलॉय व्हील लेना है और फिटिंग का ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ हमें अलॉय व्हील पाने के बाद चलाने का बहुत अच्छा तरह ध्यान देखना चाहिए, क्योंकि रिम के अंदर तो हम जैसे मर्जी चला सकते हैं क्योंकि कंपनी अपना टेस्ट करके देती है, पर जब हम अलॉय व्हील पाने के बाद गाड़ी को चलाते हैं तो हमें ब्रेकर वगैरह हो गया, और हमारे मेन तो टायरों की हवा जरूरी है चेक करनी, क्योंकि हमारे जब टायरों की हवा कम होगी और सीधा ब्रेकर लगता है तो अपने अलॉय व्हील टूटने का खतरा रहता है। तो हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अलॉय व्हील हमें किस तरह से पाने हैं, सबसे पहले हमें ओरिजिनल अलॉय व्हील डालना है इसके अंदर। अगर हो सके तो आप नहीं पाए तो अच्छी बात है, ताड़ी चलाएं, अगर फिर भी आप शो के तौर पर पाते हैं तो ओरिजिनल अलॉय व्हील पाएं। और फिटिंग का खासकर ध्यान रखें, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मेरी मॉडिफिकेशन वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने फिटिंग करने का प्रॉपर तरीका बताया था कि बैरिंग फिट करने से पहले आपको क्या चेक करना चाहिए, कितनी प्ले होनी चाहिए, अंदर वार्सल डलनी है कब डलनी चाहिए, वार्सल कब नहीं डालनी चाहिए, और आपको टाइम टाइम पे इसकी हवा चेक करानी बहुत ही जरूरी है, एयर प्रेशर वगैरह जरूर चेक करने हैं आपको। और थर्ड कमी हमारी जो अपने जो खड्डे वगैरह है उसके साथ बचा के चलनी है, तो ब्रेकर वगैरह में बिल्कुल खड़े ब्रेकर नहीं मारने, आगे से टक्कर नहीं लगनी चाहिए, इस तरह की चीज हमें देख देख के थोड़ी चलानी पड़ती है। और तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।